आपके पास है प्रोटेक्टिंग आईज अगेंस्ट इंफ्रारेड रेस के, आपके पास ऑकुलर टिश्यू डैमेज जो है इंफ्रारेड रेस के जरिए हो सकता है, तो कौन कौन सा डैमेज है? कॉर्निया में आपके पास ओपेसिफिकेशन, हेज, डेब्रिस और एक्सफोलिएशन जो है देखी जा सकती है। एक्वस ह्यूमर में जो है आपके पास फ्लेयर सेल्स और पिगमेंट क्या नजर आएंगे। आयरस में आपके पास मियोसिस की कंडीशन, ठीक है, हाइपरेमिया और स्वेलिंग और नेक्रोसिस जैसी कंडीशन जो है आपको दिखेंगी। विट्रस में आपके जो है हेज या फ्लेयर दिखेगा, और रेटिना में आपके पास डी पिगमेंटेशन, एडिमा और फ्रैंक बम जो है आपको नजर आ सकते हैं। एक इनवेलप कंसेप्ट आपके पास यूज़ होता है कि इंफ्रारेड रेडिएशन से जो है आपके पास सेफ ऑकुलर एक्सपोजर होना चाहिए, ठीक है। आपके पास जो आईआर एक्सपोजर है वो आपके पास आई के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, कॉर्निया में, लेंस में जो है आपके पास इक्वली जो है ये सेंसिटिव है। और रेटिना आपके पास रेजिस्टेंस पोर्शन है, ठीक है, आई का, और इन एक्सपोजर की जो लिमिट्स हैं वो कॉर्निया पे जो है आपके पास प्रोटेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आगे आपके पास पास ना हो। अगर हमारे पास इसके हाई एक्सपोजर्स देखने को मिले शॉर्ट टाइम में ही हो, लेकिन इंफ्रारेड की रेज अगर आपके पास तेज हो तो आपके पास सीवियर डैमेज जो है बहुत कम टाइम में आपको देखने को मिल सकता है। इंफ्रारेड की एब्जॉर्प्शन से आपके पास जो है लेंस में जो है टेम्परेचर बढ़ेगा, इसकी वजह से आपके पास लेंस जो है वो एक सेकेंडरी सोर्स जो है इंफ्रारेड का जो है कंसिडर होगा, जो कि आपके पास बाकी स्ट्रक्चर्स के क्लोज होता है और बाकी स्ट्रक्चर्स को भी आपके पास डैमेज करेगा। इंफ्रारेड लेजर्स को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास मेटालिक कोटिंग्स की जाती हैं, ठीक है, जो कि आपके पास लेंजेस की फ्रंट सर्फिस पर की जाती है। यूजली कॉपर और गोल्ड कोटिंग्स जो हैं वो आपके पास 98% जो है इंफ्रारेड जो कि 750 नैनोमीटर से कम हो उसको आपके पास प्रोटेक्शन देती है, ठीक है, क्या आपके पास बेस्ट रहता है इंफ्रारेड लाइट से प्रोटेक्शन के लिए। गोल्ड और कॉपर जो है आपके पास विजिबल स्पेक्ट्रम को भी अच्छा अलाउ करती है, इसलिए आपके पास विजन भी जो है वो हाईली जो है मेंटेन रहती है। मेटालिक कोटिंग्स जो है वो आपके पास सॉफ्ट होती हैं और इजीली स्क्रैच हो जाती हैं, इसलिए जो है इंडस्ट्रियल या स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट में जो है इनको क्या रिकमेंड नहीं किया जाता। हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक थिन प्रोटेक्टिव फिल्म भी जो है इनके ऊपर लगाई जाती है, ताकि आपके पास ये जो है ड्यूरेबली जो है प्रोटेक्ट रहे।